start. Hello and welcome to Scholars Academia. I am Arzu Khandelia, senior tutor of the Scholars Academia. Aaj hum log baat karenge sabse interesting research area that is networking. Networking kya hai? Uske do jo alag alag areas hai, that is wireless sensor and wired sensor, uske bare mein baat karenge. Aur isse zyada hum log deeply study karenge ki wireless sensor network mein manage hai kya, uske challenges kya hai aur uske research area kaise kaise divide hote hain. तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं नेटवर्क की. हम लोग सबसे ज्यादा पता ही है कि भाई नेटवर्क किसे कहते हैं. नेटवर्क में सब नोड्स और वी कैन से दैट द पीपल्स हु आर इन्वॉल्व टुगेदर और हैविंग सम आउटपुट और दे आर वर्किंग टुगेदर टू हैव सम आउटपुट दैट आर ऑल नेटवर्क. फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन, द पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन दे आर कंसिडर्ड एज नेटवर्क ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. और एल्स वी आर कंसिडरिंग a single system which is connected with all the system and having one output, all working together to have that output can be considered as network. Now, uske do alag alag areas hai. First is wired network and another is wireless network. Wire network se to hum log waise bhi recognize hai ki bhai hai kya. So wired network mein do cheeze jisko wire medium se connect kiya jata hai, that is wire. फॉर एग्जाम्पल टीवी को हम लोग केबल से कनेक्ट करते हैं तो देट इज वर्किंग टोटली ऑन द वायर बेसिस. और अगर हम लोग वायरलेस का एग्जाम्पल दें तो टीवी एंड रिमोट देट आर वर्किंग एज वायरलेस नेटवर्क. हम लोग टीवी की चैनल चेंज कर सकते हैं, साथ में वॉल्यूम बढ़ा या घटा सकते हैं. सो देट इज टोटली एन एग्जाम्पल ऑफ वायरलेस नेटवर्क. अगर डीपली में स्टडी करें कि वायरलेस नेटवर्क है क्या और उसके एग्जाम्पल्स तो ब्लूटूथ That is wireless network. Why? Because single Bluetooth हम लोग लेते हैं तो Bluetooth के जरिए हम एक दूसरे के साथ किसी भी information, photos, videos, music हम लोग exchange करते हैं. So that is considered as wireless network. Wireless network में अभी एक सबसे interesting और hot research area है, that is MANET. MANET is an ad hoc network. MANET का full form होता है mobile ad hoc network. Mobile is a word in which nodes है वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव होते हैं. उसको कोई परफेक्ट टॉपोलॉजी नहीं होती कि भाई परफेक्ट एरिया में ही नहीं होता है. सपोज दे आर वन एरिया और मे बी विद इन सम टाइम दे मूव इन टू अनदर एरिया. सो वी कैन से दैट द नोड्स विच आर कंटिन्यूसली चेंजिंग देयर पोजिशन कैन बी कंसिडर एज मोबाइल. मोबाइल एड हॉक नेटवर्क में सबसे ज्यादा उसका यूज होता है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह का इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, यानी कि कम्युनिकेशन बिटवीन द नोड्स. नाउ वायरलेस नेटवर्क में अगर दो चीजों को कनेक्ट करना है तो पहले एक एक्सेस पॉइंट होता है जिसके जरिए वो दोनों कनेक्ट होते हैं. वायरलेस नेटवर्क में ऐसा कोई एक्सेस पॉइंट नहीं होता, वो दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं. ये सब होता है वायरलेस नेटवर्क में. सो मैनेट है वो भी एक वायरलेस नेटवर्क का ही पार्ट है. So there will be no infrastructure and they have to communicate directly with each other. So जब भी ये wireless की बात आती है तो सबसे ज्यादा challenging होता है उसकी dynamic topology, because they are changing and they are mobile nodes. Second, they have limited energy constraint, क्योंकि सबसे ज्यादा वो operations perform करते हैं. अगर operations perform करते हैं तो उसकी energy भी ज्यादा waste होती है. They are moving, so हमको उसका भी ध्यान और consideration करना पड़ता है. नेक्स्ट इज मैनेट को हम लोग सबसे ज्यादा रूट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह के मैसेज पास करने के लिए यूज करते हैं. सो मैनेट का एक और चैलेंज है, दैट इज राउटिंग, कि भाई सोर्स नोड से डेस्टिनेशन नोड तक हमको रूट पैकेट करना है तो फिर हम लोग कैसे करेंगे. वैसे भी उसके अंदर भी हम लोग डीपली स्टडी करेंगे तो आता है कंसर्न सिक्योरिटी, क्योंकि अब हम लोग इस एरिया में और इस 21st सेंचुरी एरा में रहते हैं. सिक्योरिटी सबके बगल में होती है, सबके दिमाग में होती है कि भाई मेरे डेटा है तो मेरे डेटा सिक्योर होने चाहिए, उसकी इंटीग्रिटी ऑथेंटिसिटी भी होनी चाहिए. तो ये एक चैलेंज हुआ. अभी हमें मैनेट को क्यों यूज करना है, क्योंकि मैनेट में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है डायनेमिक टॉपोलॉजी, क्योंकि वो कहीं भी जा सकते हैं. और चैलेंज हुआ राउटिंग, दैट इज रूट, सिक्योरिटी एंड अदरवाइज एनर्जी कंजर्वेशन, अदरवाइज वी कैन से दैट एनर्जी एफिशिएंसी. तो ये हुई चैलेंज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेट.
नाउ मैनेजमेंट भी प्रोटोकॉल्स आप लोगों ने सुना ही होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स आर देयर, आईपी प्रोटोकॉल, देन टीसीपी प्रोटोकॉल, ये सब प्रोटोकॉल्स होते हैं लेकिन वो वायर्ड में होते हैं, वायरलेस में भी अलग 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 प्रोटोकॉल्स होते हैं। सो मैनेज में भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है लेकिन वो डिवाइड होते हैं थ्री में, दैट इज प्रोएक्टिव, रिएक्टिव एंड हाइब्रिड। प्रोएक्टिव क्यों कहते हैं कि वो टेबल ड्रिवन है, यानी कि सब नोड के पास पूरे नेटवर्क की टॉपोलॉजी मेंटेन होती है, जो कि रिएक्टिव में ऑन डिमांड होता है, सभी नोड्स के पास अपना अपना टॉपोलॉजी मेंटेनेंस नहीं होता है, वो थोड़े थोड़े समय पे रूट डिस्कवरी करते हैं, जो रूट डिस्कवर हो जाए उसका वो अपने टेबल में सेव करते हैं। हाइब्रिड में, हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। व्हाई? बिकॉज प्रोएक्टिव में पीरियडिक समय पे हमको टेबल्स एक्सचेंज करने होते हैं, जो कि रिएक्टिव में ऑन डिमांड है। सो प्रोएक्टिव में ओवरलोड ज्यादा होता है। सो नेक्स्ट प्रोटोकॉल वाज इन्वेंटेड इज रिएक्टिव, क्यों? क्योंकि हमें ओवरलोड कम करना है, लेकिन अगर हम ओवरलोड कम करने जाए तो उसके और पैरामीटर्स पे ज्यादा इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल परफॉर्मेंस, तो नोट्स की बात आती है तो परफॉर्मेंस तो मेन होता है, तो सबका ज्यादा परफॉर्मेंस होना चाहिए, तो जब भी हम लोग ओवरहेड कम करने जाएंगे तो उसका परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो इस दोनों प्रोटोकॉल के एडवांटेजेस को, डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने हाइब्रिड प्रोटोकॉल डिस्कवर किए, जिसमें दोनों के डिसएडवांटेजेस ओवरकम होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने ब्रीफली डिस्कस किया नेटवर्किंग क्या है, वायरलेस नेटवर्क क्या है, वायर्ड नेटवर्क क्या है, मैनेज क्या है, और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग एरिया क्या है जिसपे हम सबसे ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं, सिक्योरिटी, राउटिंग एंड एनर्जी एफिशिएंसी। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर मोर प्रोटोकॉल ऑन मैनेज। थैंक यू।